पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने अपने मुंबई के 2 दिवसीय दौरे से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस और मुंबई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और उत्साह भर दिया है। उपरोक्त बातें दक्षिण मध्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष लक्ष्मण कोठारी ने मुंबई सांता क्रूज विमानतल पर मीडिया से बात करते हुए कहा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस के युवा नेता हैं, इनको पूरा देश एक बेहतर ईमानदार और साफ सुथरा नेता के रूप में जानता और पहचानता है। खासकर हमारे राजस्थान में इनकी बहुत लोकप्रियता है, उसी का नतीजा है कि आज राजस्थान में सैकड़ों लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा पगड़ी पहनकर खास उनके स्वागत के लिए यहां पर आए हुए हैं। कांग्रेस समर्थक राजस्थानी समाज के लोग चाहते हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कांग्रेस दिल्ली हाईकमान ने इस पर गंभीरता से विचार किया तो उनको पार्टी में कोई बड़ा पद मिल सकता है। इससे कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में बहुत लाभ होगा। ऐसा करने से आगामी 2021 मुंबई मनपा चुनाव में राजस्थानी समाज को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इस मौके पर सुनील इटोदिया, ठाकुर विजय सिंह, एमटी डेविड, लक्ष्मण कालखेर, सूरज शाह, राकेश रावल, नागेंद्र सिंह, मंगल सिंह, जगदीप कामले, राजेंद्र राजू नगराले आदि ने सचिन पायलट को मुंबई आगमन पर उन्हें शाल और पुष्पहार देकर उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों पर हुए अत्याचार और शर्मनाक घटना के विरोध में मंत्रालय स्थित महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे महाराष्ट्र कांग्रेस और मुंबई कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर सचिन पायलट ने उनको अपना पूरा समर्थन दिया। इस दौरान महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कार्याध्यक्ष और पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान, मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मधु चौहान, डॉक्टर दिनेश हेगड़े, राजा राम देशमुख, भूषण पाटिल, संदीप शुक्ला, प्रेम बहादुर सिंह, राजेश कोटियन, अमित शेट्टी, कुणाल माने, महेंद्र मुंगेकर, तुषार गायकवाड़, मुंबई कांग्रेस उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ अध्यक्ष यशवंत सिंह, दक्षिण मध्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुक्मराज मेहता, ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अब्राहम राय मणि, दक्षिण मुंबई जिला अध्यक्ष प्रमोद मांद्रेकर, ईशान्य मुंबई जिला महिला अध्यक्ष रीना पाटिल, दीपक वाघ, चेंबूर के वरिष्ठ कांग्रेसी गोविंद नायर, ब्लॉक अध्यक्ष मुरली पिल्लई, घनश्याम यादव, नगर सेविका पुष्पा कोली मामी, गंगा माने, संगीता हंडूरे, रोशना शाह, रीना प्रजापति, रेखा घेवारी के अलावा कांग्रेस के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ताओं ने गांधी के पुतले के समक्ष भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार यूपी के किसान विरोधी नीति के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। मुंबई कांग्रेस की तरफ से मुरली देवड़ा सभागृह में आयोजित पत्रकार परिषद में सचिन पायलट ने केंद्र और यूपी की भाजपा सरकार के कृषि विरोध नीति की कड़े शब्दों में निंदा की। इस मौके पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कार्याध्यक्ष मुंबई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक भाई जगताप, कार्याध्यक्ष चरण सिंह सप्रा, कोषाध्यक्ष भूषण पाटिल, महासचिव संदेश कुंडविलकर, संदीप शुक्ला, मुंबई स्वयं रोजगार सेल महासचिव डॉक्टर सत्तार खान के अलावा और कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सचिन पायलट का जो आपने देखा एयरपोर्ट पे कि इतना बड़ा क्रेज है कि हजारों और लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर उनके पीछे और स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े थे। राजस्थान से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आए हुए थे और सचिन पायलट को एक राहुल जी के साथ में एक बहुत बड़ा नेतृत्व की क्षमता रखते हैं और उन्हें देखते हैं कि भविष्य में वो कांग्रेस की कमांड संभाले और जो अभी कांग्रेस में कुछ तरह की कमी चल रही है एक यंग नौजवान पीढ़ी की, उसको सचिन पायलट ही एक ऐसा नेता है जो कि उसको भर सकता है और देश के भविष्य में और कांग्रेस के भविष्य में उनका एक बहुत बड़ा रोल लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं। और मैं आने वाले समय में समझता हूं कि उनको पूरे हिंदुस्तान में, मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का कार्याध्यक्ष बनाकर उनको बहुत बड़ी जवाबदारी देनी चाहिए और उसके नेतृत्व में कांग्रेस वापस अपना हिंदुस्तान में अपना झंडा लहरा सकती है, ऐसा मैं समझता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई हमारे सब राजस्थान के लोग यहाँ पे मिले और राजस्थान के भावी नेतृत्व हम सोचते हैं सचिन जी पायलट जिन्होंने कांग्रेस को वापस खड़ा किया, हमको बहुत खुशी हुई उनका स्वागत करते हुए, धन्यवाद। सचिन जी पायलट का आज जिस तरीके से मुंबई नगरी में स्वागत किया राजस्थानी भाइयों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, वो अपने आप में एक अद्भुत अनुभव रहा है। ज़रूरत है मुंबई कांग्रेस में
मुंबई, महाराष्ट्र में राजस्थान के सभी राजस्थानी भाइयों को एक साथ आने की और सचिन पायलट जैसे नेतृत्व जो हमारे राजस्थान से हैं उनके नेतृत्व में मुंबई राजस्थान संगठन एक हो, राजस्थानी भाई सब मिलकर कांग्रेस के साथ में बढ़े। कहो दिल से कांग्रेस फिर से, कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस लाना है, देश बचाना है। बड़ी खुशी की बात है कि लक्ष्मण जी कोठारिया साहब के नेतृत्व में हमने सचिन पायलट जी से मुलाकात की और उनका इतना अद्भुत स्वागत और इतनी अद्भुत भीड़ थी, अचरज हो रहा है कि अभी इनकी कितनी यानी कि साख और कितनी पेट इस कांग्रेस पार्टी में है। और हमें बड़ी खुशी हुई और हमें गर्व है हम कोठारी जी के नेतृत्व में आए हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही गर्व हुआ हमें इतनी भीड़ और इतना यानी कि इतना इनका सत्कार देख करके हमें बहुत ही बड़ी खुशी हुई। और भविष्य में यही कामना करते हैं कि हम कोठारी जी के नेतृत्व में हमेशा आगे रहें और हमेशा इनकी सेवा में और कांग्रेस की सेवा में आगे बढ़ते रहेंगे। यही शुभकामना के साथ मैं कोठारी जी को धन्यवाद देता हूँ। कभी भी कोई काम कांग्रेस के प्रति हो तो हम आपके साथ जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। कपिल देव खरवर की रिपोर्ट।